सुंदर, इतनी जिंदा दिल क्यों बुझ गई है वो इस तरह, जरा देखे। अरे ओ मीना, कहाँ मर गई? बताया था ना सारे पर्दे बंद करने के लिए, बहू आने वाली है। ये दरवाजा भी खुला रखा है, दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करना है, पर्दे बंद करने हैं, सब बताया था। और ये कौन सा चाकू ला के रखा है? चाकू तो मैंने लोहे का बताया था, लोहे का चाकू रखा नहीं है। मीना, तुमको कोई काम समझ में आता है क्या? अभी बहू आने वाली है, पता तो है ये बड़ी पढ़ी लिखी बहू है ये। और पढ़ी लिखी बहुआ को तो पता है, कुछ समझ में आता नहीं। देखो अभी बताया था कि सारी चीजें रखनी है, पता नहीं इसमें क्या रख दिया है। इसमें हल्दी रख दी है और इसमें कुमकुम रखा है। कोई काम समझ में नहीं आता इनको। अभी जो है मैं जो बोलूंगी वही सुनना है। बहू आ जाए तो जो है दरवाजे कमरा बंद रखना है उसका, कमरे में ले जाना है। और कोई खिड़की दरवाजा कोई खुला होना नहीं चाहिए। और मुन्ना को भी कोई हाथ ना लगावे। और मैं जो बोलूंगी वही होगा इस घर में, समझ में आया? मेरी सासू माँ से सीखा है मैंने, समझ में आई है बात? 6 हफ्ते तक घर से बाहर नहीं निकलना है, कान में बांध के रखना है, नहीं तो पगला जाती है, भूतिया लग जाते हैं। इसलिए तो मैंने बोला था कि लोहे का चाकू रखो, तो ये चाकू ले आया है। कोई काम समझ में नहीं आता है तुमको मीना, अभी समझ में आया? आ गए तुम लोग? अच्छा बहू, आते से ही सोफा पे बैठ गए तुम। नरेन, तुमको भी कुछ समझ में नहीं आता है? जोरू के गुलाम बन गए हो तुम तो। बोला था बहू को कान में बंधवा के लाना, तो पूरे खुले बाल छोड़ के आ गई है। चलो अभी कोई नहीं, आरती लाओ यहाँ पे। और एक बार आरती हो जाए ना, कमरे में ले जाएंगे। उसके बाद तुमको जो है एकदम चुप रहना है। हम कोई भी ज्यादा जोर से नहीं बोलेंगे, और तुम्हें तो बिल्कुल ही चुप रहना है, मुंह पे ताला ही लगवा लेना है, और जो अब हम कहेंगे वही सुनना है बहू, समझ में आई बात? बस करो ये शोर, मैं थक गई हूं। मेरी लाइफ इससे बहुत अलग थी, अब ये सब क्यों हो रहा है? सब अच्छा क्यों नहीं है? मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं आज ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हेलो नैना, सो हाउ इज इट बीन द न्यू मदरहुड? टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट। What should I tell you, Doctor Auntie? आपने मुझे कहा था कि motherhood is going to be so beautiful, so nice. But यहाँ तो एकदम jail लगने लगा है। ना आप खाना खा सकते हो time से, ना आप घर से बाहर निकल सकते हो, और मुझे क्या बना दिया है? I don't know. I'm very. मैं बिल्कुल, मुझे तंग आ गई हूँ। आप please कुछ करिए। ये लो पानी पियो नैना। मदरहुड इज ब्यूटीफुल, डोंट वरी। ये सब तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक हो जाएंगी। हाँ कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं खाने देंगे आपके मदर इन लॉ। टेक इट इजी, टेल मी मोर। हर चीज में कुछ ना कुछ होता है। पानी मत पियो, दही नहीं खाओ, कान में रुई डालो, सर ढको, मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो नैना, पानी पीना जो है ना वो तो तुम्हें पीना ही है, डोंट वरी। मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को समझाऊंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय बहुत ठंड है, तो कोई बात नहीं, सर ढक लो, कान ढक लो, अपनी बेबी को, दोनों को ठंड से बचा देना। मैं तुम्हारी मदर इन लॉ को सब समझा दूंगी, ठीक है? और ये जो 40 डेज का रेस्ट पीरियड है ना, इसमें अपना और बच्चे का बॉन्डिंग करो। जब वो सोए तो तुम सो जाओ, और जब वो उठे तो तुम फ्रेश हो। एंड डोंट वरी अबाउट एनीबॉडी, आई स्पीक टू योर मदर इन लॉ, राइट? यू सच अ नाइस कोऑपरेटिव पेशेंट है ना, गॉड ब्लेस यू। नमस्ते डॉक्टर साहब। नैना ने कहा कि आपने मुझे याद किया, कोई खास बात है क्या? मेरा एक ही बेटा है और एक ही बहू,
कोई खास बात तो नहीं? माजी नमस्ते, नैना एंड द बेबी आर डूइंग वेल। थोड़ी सी नैना डिस्टर्ब्ड है क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नए उम्र के बच्चों को समझ नहीं आते। मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाएं, 40 दिन बाहर ना निकलना तो फ़ायदे में है और बच्चे और माँ की बॉन्डिंग होती है, पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि आप उनको फॉलो कीजिए। प्लीज़, कमरे में खुली हवा होनी चाहिए, हवा का संचार अच्छा होना चाहिए और डे लाइट में ज़रूर बच्चे और माँ एक बार जाएं। अच्छी खुराक तो आप दे ही रहे हो, पानी पे रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए क्योंकि लिक्विड्स चाहिए होते हैं ताकि अच्छा ब्रेस्ट मिल्क बने और कॉन्स्टिपेशन ना हो। आई थिंक दे आर डूइंग वेल, थोड़ा सा ध्यान कर लिएगा कि उसकी नींद पूरी आए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी। अब मैं नैना का बहुत ख्याल रखूँगी। खान पान के अलावा खुली हवा और ताज़ी धूप सारा कुछ ख्याल में रखूँगी। मेरी बहू मेरा अभिमान है, मेरा मान है, मेरी शान है और मैं ज़रूर उसकी हंसी और खुशी हर चीज़ का ख्याल रखूँगी। अब नैना खुश है, उड़ने दो उसे तितली की तरह, जीने दो खुली हवा में।